हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। ये मार्वल ज़ॉम्बीज़ रिटर्न का एपिसोड 5 है। इससे पहले के एपिसोड्स आपको आईकार्ड में मिल जाएंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही सुपर हीरो कंटेंट आपके लिए लाते रहे। और अगर कोई सजेशंस या कोई अननोन इन्फॉर्मेशन है आपके पास इस वीडियो के अलावा तो हमें ज़रूर कमेंट करें। तो आपकी एक्साइटमेंट का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टोक्यो अर्थ जेड 2 साल बाद, किटी प्रैट एक म्यूटेंट फेजर और मेंबर ऑफ अनकैनी एक्समैन थी। वो भाग रही थी और उसके पीछे लगे थे निंजास। वो कह रही थी, लोगन मुझे मार डालेगा। उसने मुझे अपनी मदद करने बुलाया था अंडरग्राउंड फाइट क्लब में। वो यह सोचकर भाग रही थी तभी उसके सामने दिखता है लोगन, और वो उसे पुकारती भी है। लेकिन वो लोगन अर्थ जेड का नहीं बल्कि अर्थ 2149 का जॉम्बी लोगन था। जॉम्बी लोगन किटी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन किटी एक फेजर होने की वजह से वो उसमें से गुजर जाता है। और उस पर किटी कहती है, पता नहीं लोगन के साथ क्या हुआ, वो मुझसे तो आर पार चला गया, लेकिन वो लोग इतने लकी नहीं थे। और जॉम्बी लोगन निजस को मारकर खाते हुए कहता है, पहले एपरेटर्स, और किटी की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था, और अब मेन कोर्स की बारी। तभी लोगन के फेस पर वेब्स आकर रखती है, जिससे वो गुस्सा होकर कहता है, वेब्स निकालो। तभी स्पाइडी लोगन को उसी वेब्स के साथ दूर फेंकते हुए कहता है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर अगर जिंदा रहना है तो चलो मेरे साथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अर्थ जेड का स्पाइडी तो मर चुका है, तो फिर ये कौन है? अगर पहले ही मैंने ये बता दिया तो सस्पेंस टूट जाएगा, फिर भी आप लोग गेस कर सकते हैं। तब स्पाइडी के साथ वेब्स पर स्विंग करते हुए किटी स्पाइडी से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और वुल्वरिन को क्या हुआ। तब स्पाइडी बताता है वो वुल्वरिन नहीं। तो किटी पूछती है कि वो कौन है। तब स्पाइडी उस पर कहता है, ये ज़रूरी नहीं कि वो कौन है, ज़रूरी ये है कि वो क्या है। वो किसी दूसरी दुनिया का वुल्वरिन है, मेरी दुनिया का। वो वुल्वरिन जॉम्बी है। तब किटी कहती है, जॉम्बी जैसे कि मांस खाने वाले, जैसा वीडियो में देखते हैं लोग घरों में फंसे होते हैं और ये उन्हें खाते हैं, वैसे वाले। तब स्पाइडी कहता है, हाँ, पर उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। मेरी लैब में चलो, मैं वहाँ तुम्हें क्लिफ्स नोट्स वर्जन दूंगा दुनिया खत्म होने के बारे में। तब किटी कहती है, तुम मजाक कर रहे हो। तो स्पाइडी बताता है, नहीं, इस वक्त तो नहीं, अब चलो। तभी किटी को अंदर जाते वक्त कुछ मरे होने की बदबू आती है। तब स्पाइडी उसे बताने लगता है कि यह सब शुरू कहाँ से हुआ। इसकी शुरुआत हुई आसमान में एक चमक के साथ। पहले इन्फेक्टेड हुए सुपर हीरोज और फिर पूरी दुनिया, और सभी लोग मर गए। अगर उनके पास अपना रास्ता होता तो टाइम और स्पेस में लालच और तबाही का नंगा नाच होता, और वो इससे एक कदम की दूरी पर थे दूसरी दुनिया के। शायद कॉस्मिक पावर उनके शरीर से चली गई, या फिर ट्रांसपोर्टर्स के फिल्टर्स ने उसे निकाल दिया, और जॉम्बी वुल्वरिन के पास कॉस्मिक पावर नहीं थी। बिना पावर के वो पागल हो गया। महीनों वो अंधेरे में छुपा रहा, बेघरों को खाते हुए, उन्हें पूरी तरह खा लेता था। इस वजह से कोई इन्फेक्टेड नहीं हुआ, लेकिन वक्त के साथ उसका कॉन्फिडेंस लौट आया और वो खुले में शिकार करने लगा। वो यहाँ नई बीमारी फैलाएगा। इसके बारे में सीखने के बाद मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया, वायरस कंट्रोल करने के फॉर्मूला पर। तब किटी पूछती है, तुम वुल्वरिन को ठीक कर सकते हो? तो स्पाइडी कहता है, नहीं, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो हम उसे बचा सकते हैं। वो अभी अनडेड हंगर के इन्फेक्शन में है। ये दवाई उसकी भूख को लंबे समय तक शांत रखेगी। ये समय काफ़ी होगा उसे सोचने के लिए कि वो क्या कर रहा है। तब किटी पूछती है, तो तुम उससे यूज़ करोगे? तब स्पाइडी कहता है, ये इतना आसान नहीं है। जॉम्बी वुल्वरिन का हीलिंग फैक्टर खत्म हो चुका है, और सही दवाई बनाने के लिए मुझे मैचिंग ब्लड चाहिए तुम्हारे वुल्वरिन से। जॉम्बी वुल्वरिन निंजास से लड़ते हुए कह रहा था, मेरी मुश्किल मत बढ़ाओ, मैं जॉम्बी निंजास की नई ट्रेंड नहीं बनाना चाहता। और एक निंजा को पकड़ कर कहता है, तुम्हारे पास एक चांस है, बताओ मुझे वुल्वरिन कहाँ है? तुम्हारे क्लोन्स मर चुके हैं, और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बताओ मुझे वुल्वरिन कहाँ है। तब वो निंजा कहता है, पर वो तो तुम ही हो। तब जॉम्बी वुल्वरिन कहता है, मुझे पता है कि वो मेरी तरह दिखता भी है और स्मेल भी करता है, अब बताओ मुझे और मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन इससे पहले वो कुछ बता पाता, जॉम्बी वुल्वरिन का तीसरा क्लॉ खुल जाता है, और वुल्वरिन अपना गुस्सा
पंच मारकर एक दीवार पर निकालता है। तभी सनफायर वहां आकर कहता है, वुल्वरिन ये क्या कर रहे हो? तब जॉम्बी वुल्वरिन उस निंजा को सनफायर की तरफ फेंक कर कहता है, ये लो शाशिमी, ये फ्रेश है क्योंकि मैंने अभी अभी इसे मारा है। तब सनफायर गुस्सा होकर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो वुल्वरिन, क्या तुम पागल हो गए हो? और वो वुल्वरिन को लेकर एक फाइट क्लब की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है। तब जॉम्बी वुल्वरिन उठते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारा फाइट क्लब ज्वाइन कर सकता हूँ? तब आयरन फिस्ट पूछता है, क्या हुआ वुल्वरिन, तुम ठीक तो हो? तब वुल्वरिन अपने क्लॉज आयरन फिस्ट और सनफायर के सर में घुसाकर उन्हें मार देता है। तब शैंगची कहता है, मुझे नहीं पता कि कौन सा पागलपन तुम्हारे सर पर चढ़ा है। उस पे वुल्वरिन शैंगची का हाथ काट कर कहता है, तुम्हारे माँ ने तुम्हें यह नहीं बताया कि किसी को उंगली दिखाना बुरी बात है? और शैंगची के कटे हाथ को पकड़ कर कहता है, मैंने सुना है कि हाथ कटने के बाद पत्थर जैसा हो जाता है, चलो पता लगाते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, हाथ चलो, ये करते हैं। और तब हम देखते हैं अर्जेड का वुल्वरिन। इसी बीच स्पाइडी अपना फॉर्मूला बना रहा था। तब किटी उससे पूछती है कि ये मक्खियाँ क्यों भिनभिना रही है। उस पर स्पाइडी बताता है, ये इन्फेक्शन की वजह से होगा। लेकिन किटी कहती है, मुझे देखना ही होगा कि ये मरे चूहे की बदबू कहाँ से आ रही है। और वो उस दीवार के अंदर जाती है जहाँ से मक्खियाँ आ रही थी। तब वो देख लोगों के कटे सर और हाथ पैर वेब से बंधे हुए थे। तो किटी उस दीवार से बाहर आती है और स्पाइडी से टकरा जाती है। तब स्पाइडी कहता है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था किटी, मैं तुम्हें इससे दूर रखना चाहता था, लेकिन वक्त आ गया है सच्चाई बताने का। और स्पाइडी अपना मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखाता है। दूसरी तरफ लोगन जॉम्बी लोगन से कह रहा था, मुझे नहीं पता तुम कौन और क्या हो, पर तुम अब तकलीफों की दुनिया में आ चुके हो। तब जॉम्बी लोगन उसे बताता है कि मैं वहीं से आया हूँ, मेरे पास ये खेल खेलने का वक्त नहीं है, हट जाओ मेरे रास्ते से, यहाँ सब बदलने वाला है तुम्हारी दुनिया में। मैं अपने काम में सिर्फ बेस्ट नहीं हूँ, बल्कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। तब लोगन जॉम्बी लोगन के सीने में अपने क्लॉज घुसा कर उसे दूर फेंकते हुए कहता है, हैप्पी लैंडिंग। तब जॉम्बी लोगन कहता है, बस इतना ही, कुछ शब्द और पंच, मैं सिर्फ तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि अब तो मुझे तुम्हें स्टाइल भी सिखानी पड़ेगी। तब लोगन उससे लड़ते हुए कहता है, तो ट्राई करके देखो। और जॉम्बी लोगन उसे नीचे गिराकर मारते हुए कहता है, अब देखते हैं तुम्हें कितना दम है। लेकिन तभी निंजा जाकर दोनों को मारने लगते हैं। लोगन और जॉम्बी लोगन उन निंजास को मारने लगते हैं, जहां जॉम्बी लोगन इलेक्ट्रा को मार देता है। तब लोगन कहता है, मुझे नहीं पता ये क्या पागलपन है, पर मैं इसे फैलने नहीं दे सकता। निंजास को मारने के बाद दोनों लोगन आमने सामने खड़े थे, जहां जॉम्बी लोगन पूछता है, राउंड टू के लिए तैयार हो, ये जानने के लिए कि कौन बेस्ट है? तब लोगन कहता है, हमेशा से। उस पे जॉम्बी लोगन आगे बढ़ते हुए कहता है, देन लेट्स रॉक। तभी दूसरी तरफ किटी स्पाइडी का चेहरा देखकर कहती है, तुम उनमें से एक हो, दूर हटो मुझसे। तब स्पाइडी बताता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। उस पे किटी पूछती है, क्या तुम जॉम्बी नहीं हो? क्या तुम उनमें से एक नहीं हो? क्या तुम लोगों को नहीं खाते? तब स्पाइडी बताता है, लगभग मैं उनमें जैसा हूँ, मैं अच्छे लोगों को नहीं, सिर्फ किलर्स और क्रिमिनल्स को खाता हूँ। मैंने तुमसे कहा ना कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। वो आगे बताता है, मैं ये मानता हूँ कि जॉम्बी वुल्वरिन और मैं एक ही दुनिया से है, लेकिन मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ट्रीटमेंट पर काम कर रहा हूँ। मैं उन्हें खाता था जो वुल्वरिन की खाने के बाद बचते थे, ताकि ये वायरस आगे ना फैले। मैं ये दवाई बनाने ही वाला हूँ वुल्वरिन और दुनिया को बचाने के लिए, और साथ ही साथ मैं खुद की सोल बचाने के लिए भी ये कर रहा हूँ। तब किटी पूछती है कि मैं ये कैसे मान लूं कि ये कोई ट्रिक नहीं है। पाइडी कहता है, तुम उन कुछ लोगों में से हो जो हमसे बच सकते हैं। हम उन्हें इन्फेक्ट नहीं कर सकते जिन्हें हम काट नहीं सकते, और तुम्हारे फेस फॉर्म में हम तुम्हें काटना तो दूर, तुम्हें नुकसान तक नहीं पहुंचा सकते। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये रॉड मेरे ब्रेन स्टेम में डाल देना, ये किसी भी जॉम्बी को मार सकती है। और मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा करो। तब किटी वो रॉड लेकर कहती है, ठीक है, तुमने अगर कुछ किया तो मैं ये ज़रूर करूँगी। तब स्पाइडी कहता है, मुझे पता है तुम करोगी, अब हमें वुल्वरिन का ब्लड सैंपल लेना है, हमें जल्दी जल्दी काम करना होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है।
अभी दूसरी तरफ जॉम्बी लोगन वुल्वरिन से कह रहा था, मैं तुम्हें मार भी दूंगा और तुमसे ज़्यादा जीऊँगा, तब तुम्हारा मांस मेरा होगा। उस पर वुल्वरिन कहता है, तुम मेरे जैसे दिखते और स्मेल तो ज़रूर करते हो, लेकिन तुम्हारे पास मेरे जैसा म्यूटेंट हीलिंग फैक्टर नहीं है। तब जॉम्बी लोगन कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं हैरान इस बात से हूँ कि मैं खुद को यानी तुम्हें कैसे खाऊंगा, ये अजीब है और यमी भी। तभी एक जॉम्बी निंजा वुल्वरिन पर झपटता है, लेकिन वो उसे मार गिराता है। तब जॉम्बी लोगन कहता है, मुझे खुद को यानी तुम्हें काम करता देखकर अच्छा लग रहा है। उस पर वुल्वरिन कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन और क्या हो, पर तुम मैं नहीं हूँ। तभी स्पाइडी कहता है, नहीं लोगन, ये तुम ही हो, और अगर तुमने इसे नहीं रोका तो ये सब बर्बाद कर देगा। तब वुल्वरिन को स्पाइडी की स्मेल से पता चलता है कि वो भी एक जॉम्बी है और वो उसे मारने ही वाला था। तभी किटी उसे बताती है कि ये उन जैसा नहीं है, मतलब है पर नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तब जॉम्बी लोगन वुल्वरिन को मार कर कहता है, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं जॉम्बी हूँ और तुम लंच। और वो स्पाइडी से कहता है, मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। तब स्पाइडी बताता है, मैंने इस हंगर का ट्रीटमेंट ढूंढ लिया है जो तुम्हें तुम्हारी सोल वापस दे सके, मुझे बस इस दुनिया के वुल्वरिन का ब्लड सैंपल चाहिए। तब जॉम्बी लोगन वुल्वरिन को धकेल कर कहता है, मुझे इलाज नहीं चाहिए, मुझे एक जॉम्बी किलिंग मशीन बनना है। तब किटी जॉम्बी लोगन को ब्रेन स्टेम में मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जॉम्बी लोगन पीछे मुड़ने की वजह से वो उसके आँख में लग जाती है और वो कहता है, मुझे लगता है मेरे आँख में कुछ चला गया है, और वो किटी को स्लैप करके पीछे धकेलता है। उस पर वुल्वरिन गुस्सा होकर जॉम्बी लोगन के सीने में अपने क्लॉस गाड़ कर कहता है, मरो बदसूरत बदबूदार सन की कह के। जॉम्बी लोगन को मारकर वुल्वरिन स्पाइडी की तरफ बढ़ता है और कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक सेकेंड है मुझे कन्विंस करने के लिए तुम्हारे ट्रीटमेंट के बारे में, टिक टॉक। तब स्पाइडी उसे सारी कहानी बताता है और आखिर में कहता है, तुम्हारा हीलिंग फैक्टर कैटेलिस्ट है। तब वुल्वरिन उसकी बात समझ ना पाने से स्पाइडी को पागल कहता है। तभी जॉम्बी निंजास को देखकर स्पाइडी कहता है, हम इन्हें जाने नहीं दे सकते, इनमें से एक भी पूरी बीमारी फैला सकता है। उस पर वुल्वरिन उन सबको मार देता है। तब लोगन कहता है, वे भेड़, अगर तुम्हें सैंपल चाहिए तो ये सही वक्त है। स्पाइडी सैंपल कलेक्ट करके कहता है, ये काम कर जाए तो अच्छा होगा, अब मैं अपने दोस्तों को ढूंढने जाता हूँ जो मेरे साथ यहाँ आए थे। और वो जाते हुए कहता है, तुम रियल हीरो हो लोगन, तुमने दुनिया को बचा लिया। तो किटी पूछती है, तो अब हम क्या करेंगे? उस पर वुल्वरिन कहता है कि मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। और तब हम देखते हैं कि वुल्वरिन के हाथों पे काटने का निशान था, यानी कहानी अभी बाकी है।